मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फ्रेंड्स, आपको सीधे लेक्चर में बताऊँगा। डे वन से लेकर डे थ्री तक आपका फीवर ज़्यादा है और गले में खराश आ रही है, तो ये पहला लक्षण है जो कि एक ठंड की वजह से भी हो सकती है और नहीं तो ये एक लक्षण भी हो सकती है, लेकिन वो 3 दिन में आपको पता नहीं चलेगा। और डे फोर में आपको गले में खराश रहेगी और कर्कश आवाज़ आएगी आपके, और आपका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगी और आपका सर दर्द भी थोड़ा बहुत रहेगी। और डे फाइव में आपका मसल, आपका जो मसल्स है वो पेन होगी और आपका खांसी जो रहेगी ना वो सूखा आएगी, सूखा खांसी, और आपको थकान महसूस भी होगी। अगर ये सारे लक्षण है तो थोड़ा सतर्क में रहे। और डे सिक्स में आपको थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होगी, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होगी। और डे सिक्स में आपको अगर उल्टी आती है तो थोड़ा सतर्क रहे। और डे सेवन में आपका थोड़ा हाई फीवर रहेगी, यानी कि कंटिन्यूसली डे सेवन तक आपका हाई फीवर है और खांसी के वक्त ज़्यादा थूक जाती है और बॉडी पेन होती है और उल्टी होती है, तो थोड़ा सतर्क रहे। और डे एट और डे नाइन में आपका बुखार जो रहती है वो ज़्यादा गंदा हो जाती है। और ये सब लक्षण ज़्यादा बढ़तर होना, मैं जितना भी आपको लक्षण में मैं आपको बोला वो बढ़तर हो, यानी कि पूरा वर्ष हो जाती है। और खांसी में खराब हो जाना, अगर आपका खांसी डे टू डे बिगड़ती जा रही है तो समझ लेना कि फ्रेंड्स कोई तो कुछ तो गड़बड़ है। और लास्ट डे एट और डे नाइन में सांस लेने में दिक्कत होना, तो फ्रेंड्स समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपको ये सब लक्षण आपको हो रही है, नहीं तो किसी को हो रहा है, तो प्लीज़ उनका ब्लड टेस्ट करवाए। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, सिक्योर रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।